हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्लास पिजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं मेरठ में। मेरठ में बहुत पुराने खलीफा जो कि आज तक किसी वीडियो में आए नहीं हैं, उनकी छत का शौक कराने बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं वीडियो कराने का, मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी साहब। जनाब कैसे हैं आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गरीब खाने पर आए। जनाब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी वीडियो बनाने हमारी जी जनाब ऐसा कि वीडियो बनवा लूं जी, और कभी पाले वाली साहब ने वाली साहब से फिर मैंने पाले, अब ये बच्चा पाल लिया है। ज़्यादातर तो इसी का शौक है, लेकिन शिरकत मेरी भी रहती है इसमें, ऐसा नहीं कि मैं हट जाता हूँ। और आने वाले टाइम के लिए ये उम्मीद ये लग रही है कि मेरा भी जो होता है छोटा वाला वो लगेगा जरूर, शौक में लगेगा जरूर, पूरी पूरी उम्मीद है। मतलब जनाब कितने साल पुराना आपका ये शौक, मानो कि इतने सालों से आपके, जैसा कि आपने बताया कि आपके दादा भी ये शौक करते हुए आ रहे हैं। जी जी बहुत पुरानी नस्ल है आपके अभी पास। मान लो कि 73 साल की तो मेरी उम्र अब है। जी जी और कम से कम 5-7 साल होगा, मुझे इतना होश भी हुआ होगा कि कबूतर पाले क्या चीज है, कबूतर पालते वाली साहब। और दादा की मैंने शक्ल नहीं देख पाया, उनका पहले जी वाली साहब ने खूब हमारे सामने रखे कबूतर, लेकिन उस टाइम में उनको उड़ाने का शौक नहीं था, उड़ाते थे लेकिन फिर छोड़ दिया था। मुझे थोड़ा सा लग गया था उड़ाने का शौक, और माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ा लिए कबूतर भी। अब जो है हमारे लड़के को इसको लग गया शौक, मेरा तो ना के बराबर हो गया, क्योंकि उम्र तो अब रही नहीं, अब कहीं आने नहीं जाने नहीं, तो फायदा क्या है। जनाब आप हमें बताइए जी, तो होते देवबंदी कबूतर के बारे में बताइए। तो होते जालदार गहरे देवबंदी जी, जालदार छापदार, उसको जालदार भी बोल देते हैं जी, और वैसे छपे भी बोल देते हैं जी। ज्यादातर जालदार बोलते हैं, देवबंदी गहरे जी। एक होते हल्के जीरिया टाइप में जी, ऐसा कुछ चीजें कबूतर, दोनों ही अच्छे होते हैं जी, लेकिन ज्यादा शौक जो है तो हल्के वालों का रह गया है अब शौक। और जामनी चोंच, जामनी पंजे, जामनी पंजे और जीप भी जामनी, जो अच्छे कबूतर हैं उनकी ये खासियत होती है, जामनी पंजे होती है जामनी पंजे। और जिनमें कालापन आ गया थोड़ा चोंच में, तो ये समझ लो कि उनमें थोड़ा मेल आ गया। और ये जो देवबंदी नस्ल है कबूतरों की जी जी, ये बेसिकली उड़ने वाली गर्मियों की है कि सर्दियों की ज्यादा अच्छी? ये सर्दियों में ज्यादा अच्छा, गर्मियों में जो ज्यादातर उड़ता है तो सहारनपुरी कबूतर उड़ता है जी, वो गर्मियों का के ऊपर सबसे ज्यादा कबूतर गर्मियों का वो सहारनपुरी उड़ तो ये नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं उड़ लेंगे जी, लेकिन ये आदमी के अंदर खुद कलाकारी होनी चाहिए बिल्कुल जनाब, कैसे उड़ाना इसे, जिसको ये सूझबूझ हो गई वो कबूतरबाज बन गए। बिल्कुल सही बात, जिसको ये सूझबूझ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है सब कबूतरबाज जी, अपने को सब मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसे इतनी सूझबूझ हो जाएगी वो कबूतरबाजी करेगा। आपके कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि कबूतरबाजी पे, नस्ल पे, कि उसने क्या नस्ल तैयार करी है, और मेन बात करता है उसके कबूतरबाजी पे, तो कितना उनको तजुर्बा है, कितना क्या है, वही ज्यादा उड़ा सकता है गर्मियों में। देखो जी ये तो नस्ल के ऊपर बात होती है, और नस्ल बिगाड़ भी लेते हैं लोग बात जी, बिल्कुल काफी कबूतरबाज बहुत कबूतरों में बिगाड़ लेते हैं, लेकिन हमारा ये हिसाब नहीं है कि हम नस्ल अपनी बिगाड़े कबूतर की, हम ये चाहते हैं कबूतर सही रहना चाहिए, चाहे कबूतर फुट पड़ा हुआ है हमें इस बात की परवाह नहीं, कोशिश ये करेंगे जल्दी से जल्दी इसका जोड़ा बनावे। एक बात जनाब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पे हर कबूतरबाज दावा करता है कि मेरा कबूतर 5 बजे 6 बजे आ रहा है, इसकी क्या वजह है, और कबूतर वापसी कर रहा है या रात बस रहा है? जो रात बस रहा है आज के माहौल के हिसाब से कबूतर में बुराई आ गई हो जी, और आज के माहौल के हिसाब से जो है 6 बजे तक अपने घर बैठ जाना चाहिए, और 5 घंटे का बॉर्डर होता है इसका, जो 5 घंटे से 1 मिनट पहले ही बैठेगा वो कबूतर कैंसिल हो जाएगा जी। बिल्कुल तो
छह बजे तक का लास्ट टाइम होता है, कोई छह बजे तक रख ले, कोई सवा साढ़े छह का रख लेता है। मतलब ये हुआ अगर कबूतर छह बजे तक भी वापस आ रहा है हाँ, तो उससे बढ़िया नस्ल नहीं है। हाँ, उससे बढ़िया कबूतर नहीं है। उसमें भी हमारी खुद की कलाकारी है, रख रखाव देखभाल उसके मिजाज को परखना हमें कि इस कबूतर का मिजाज तो ये कह रहा कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए खाने के लिए तो मैं चलूँगा, और एक कबूतर ये है कि ना कि बराबर खा रहा और वो बराबर अपना काम कर रहा। कबूतर की खिलाई पिलाई भी सब कुछ डिपेंड करता है। हाँ, खिलाई पिलाई पर डिपेंड करता जी। अब आप या हम जब भी तो कुछ काम करेंगे जब हमारे कुछ तंदुरुस्ती होगी जी। जनाब अंसारी साहब ये बताइए मुझे, आप हिंदुस्तान में और मेरठ में भी, हिंदुस्तान में कह लो एक से एक कबूतरबाज है, एक से एक बड़ा खलीफा बना। जी, जी, जी। ये पाकिस्तान वाले जो हमेशा दावा करते हैं कि हमारा कबूतर 23 घंटे 24 घंटे जी 12 घंटे 18 घंटे तक उड़ता है, इसकी क्या वजह है, वो भी गर्मियों के मौसम में? मैं बताता, वो लोग क्या करते हैं, वो स्टोर की गोली जो होती वैसी अंग्रेजी वो लगाते हैं, और मैं ये मानता हूँ उस्तादी उस चीज का नाम है, फनकार फनकारी उस चीज का नाम है कि जो आदमी अपनी चीज को तैयार करके लगावे जी, उस चीज का नाम है उस्तादी। अब यूं तो सब बने बैठे उस्ताद है जी, हम उस्ताद हैं, लेकिन जिस आदमी के अंदर ये वाली फनकारी होगी कि अपनी चीज तैयार करके, पानी हो या कोई दवा गोली हो, देसी दवाइयों में वो इस्तेमाल करे, उस चीज का नाम है फनकारी। और रही स्टोर वाली गोलियों की बात, मैं उसको नहीं मानता कि उसमें कोई फनकारी वाली बात नहीं है। गए 100 रुपए की दे दो जी, फला गोली दे दो, 10 रुपए की फला गोली दे दो और लेके चले आए, इससे कबूतर की सेहत पे भी फर्क पड़ता है। हाँ, सेहत पे फर्क पड़ता है, फिर उसको उसी हिसाब से पानी चाहिए पीने के लिए, क्योंकि खुश्की लावेगी वो गोली खुश्की लावेगी, तो मैं उसको अच्छा मानता ही नहीं। बाकी आज के माहौल में कर सब रहे हैं, लेकिन मेरा मिजाज अपना ये है। जनाब अंसारी साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नई नस्ल, नहीं ना सर, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी हमारे पास ये टेडी है, मगर है, ये और भी जो डब वाले काफी सारी इनकी नस्लें इतने बजे तक गर्मियों में हमारे पास उड़ती हैं, सब सारी की सारी नस्लें उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर से नस्ल ले जाके, रामपुरी कह लो, सहारनपुरी कह लो या और नस्लें कह लो, सब ले जाके तैयार करी हुई है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसी नस्ल क्यों सामने तैयार होकर नहीं आई है, इसकी क्या वजह है? कि उन लोगों के पास वक्त है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान वालों के पास इतना वक्त नहीं है, या वक्त देना नहीं चाहते हैं, या देना नहीं चाहते दोनों जी। ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है, शौक कम नहीं है, लेकिन इतना शौक नहीं कि लिमिट से कूद जाओ, लिमिट के साथ में शौक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे हैं आदमी 500-700 2000 कबूतर पाल रखे हैं अभी जी जी, लेकिन नहीं इतना वक्त नहीं है जी। अच्छा, 28-30 घंटे वाली ठीक है, कबूतर के साथ में मेहनत करता आदमी जब ही बनेगा, कबूतर के साथ में कबूतर ही बनेगा, जब मेहनत करेगा चलेगा कबूतर। ये बात तो है, पाकिस्तान वालों ने नस्ल बनाने में मेहनत तो करी है। हाँ। चाहे वो हिंदुस्तान से ले जाए, पहले यहाँ भी मेहनत करी लोगों ने, लेकिन अब नहीं चाहते भाई इतनी मेहनत करना नहीं चाहते। और जो हमारी नई जनरेशन अब तैयार हो रही है जी, मतलब हमारी उम्र के जनाब, और वो क्या मेहनत करने में इंटरेस्टेड है कबूतरबाजी में, या करती है, या केवल बस उड़ाने के ही? नहीं, अब तो ज्यादातर उड़ाने की ढक में रहती है। अब कोई मतलब नई जनरेशन, आपके कहने का मतलब है कि नई जनरेशन के अंदर 100 रुपए की जगह 500 खर्च कर दिए जी, लेकिन कबूतर लिया है। अब इतना वक्त नहीं है कि जो उसे कबूतर बना रहा है, हम कबूतरबाजी को 3-4 साल दें, कुछ नस्ल तैयार कराए, क्योंकि अब महंगाई का टाइम वैसे है, अगर इसी धंधे में लगा रहे और कबूतर हो गए तो क्या खावेगा जी। बिल्कुल, इसलिए इतना वक्त नहीं देना चाहता यहाँ का आदमी, और देना भी नहीं चाहिए। मेरी भी राय यही है कि पहले बच्चे हैं, उनका हिसाब देखो, शौक है बाद में, अब शौक को बेलिमिट करेंगे हम तो नुकसान उठाएंगे। भाई हम तो बेलिमिट कर ही रहे हैं, फिर हमारे बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी, आगे तक का नुकसान निकलेगा फिर हमें, तो शौक करो लिमिट के साथ। जनाब अंसारी साहब आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार कबूतरों की नस्लों का शौक कराइए जी। जी, थैंक यू जी। अंसारी साहब ये कौन जी? ये हमने घर पे अपने तैयार करी है, अंबर सिरा कबूतरों से बनाई है नस्ल हमने, और माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा एवरेज है, शाम तक का पक्का एवरेज है जी। कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बच्चे जाते।
गिर पड़ रही है जरा सी भी, सारे आपके घर के तैयार करे, सारे घर के तैयार करे हुए हैं और सीधे जा रहे हैं, सीधे आसमान से आते हैं। मतलब वापसी बहुत बढ़िया, वापसी भी बहुत बढ़िया इनकी, कोई जवाब नहीं। जनाब इनका शौक करा दीजिए। हाँ, इसमें से नर कौन सा है? नर ये है। इसका शौक करा दीजिए पहले। जी नर है। इनकी आंखों का शौक करा दीजिए। बहुत बढ़िया, इनका नजर इनके पंजों का शौक करा दीजिए। पंजे माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्यारे जावली पंजों में। हाँ, वही वाह, बहुत बढ़िया दुम देखो, कितनी हसीन दुम है इनकी। मादिन का शौक करा दीजिए। कितनी प्यारी आंख है इसकी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कौन से फीके देवबंदी कहलाते हैं? चीने, चीने देवबंदी। नूर एकदम भारी, जाल कितना बढ़िया लगा। जी जनाब, दूसरे जोड़े का शौक। लेकिन छोड़ इनको, कल थोड़ा डिफरेंट है जी। ये अंबर सिर है, वो बनाए हुए कबूतर है। उड़ान इतनी बेहतरीन है, पलटे बहुत मारे हैं। पलटे मतलब? मतलब आसमान से आवेंगे नीचे और फिर वापसी चले जाएंगे। पचपन सत सत पलटे भी हुई। मादा, मादा ही तो हुई है। हाँ, मादा चेक करें, बिल्कुल चेक करें, बेहतरीन। ये उसका नर है, कबूतर रखो एक रवे। कबूतरों की नस्लें बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होता। हमारे मिजाज में जो है कबूतर की नस्ल बनाने में मजा आता। पर
फायदा है अंदर से। छोड़ भाई, तो ये देखो ये कौन सा कहता है, अंबर से जानदार, अंबर से जानवर दिखाना फोन का। अब पहले चाय ले लो।